दाखला नंबर 7, एक एनपीएन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जयरे लोड अवरोध 10 किलो ओम तरह वोल्टेज गेन 200 मे तो ट्रांसकंडक्टन्स मूल्य शोधो। जो परिपथ ना इनपुट अवरोध 1 किलो ओम हो तो तेना एसी प्रवाह गेन की गणतरी करो। बराबर तो आूत्र है वोल्टेज गेन एवी बराबर जीएम आरएल। आरएल शू अवरोध जीएम ट्रांसकंडक्टन्स और एवी वोल्टेज गेन। तो एवी आपेलो आरएल आपेलो किंमत मूकी ट्रांसकंडक्टन्स मिली जैसे। बराबर तो ये चौपड़ी आ पानू है सूत्र आपेलू है एम माइनस जीएम आरएल है। बराबर पर अँ कहीं कंसिडर नहीं कर तो कहीं नहीं आप आ रीते लई ले। तो जीएम आई गयू पची शू कीधु परिपथ ना इनपुट अवरोध 1 किलो ओम हो तो आ सूत्र है एवी बराबर ए आई अपॉन आर आई आर एल। आवा ए आई शू जाने आप बीटा पण कही है। बराबर तो अँ जो लो आग चौपड़ी में पाना में आप सूत्र बताई दो पान नंबर 226 ऊपर। तो वोल्टेज गेन एवी बराबर माइनस बीटा आर एल अपॉन आर आई। आर आई इनपुट अवरोध और आर एल ये लोड अवरोध है ए आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आ सूत्र है बराबर बीटा एले कि प्रवाह गेन ए आई ज कहवा है ये डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई बी। अपन अँ शू कीधु ए प्रवाह गेन शोधवा है। तो बराबर तो अँ बीटा जगह ए आई है बाकी बधु एनु एज है किंमत मूकी दीधी। बराबर एवी की किंमत आपेली है आर आईनी आर एल त्रणनी आपेली है किंमत मूकी थी जवाब आयो ए आई 20। एना पछी हूँ दाखिल लीजिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में कॉमन बेज परिपथ में ए मीटर में बेज में आता 7% जिला इलेक्ट्रॉन बेज में होल साथ संयोज है आती कलेक्टर प्रवाह मूल्य 18.6 मिली एम्पियर मिले। तो ए मीटर प्रवाह मूल्य और प्रवाह गेन शोधो। चोपड़ी में बधे परिपथों आपेला है ये बधा कॉमन ए मीटर है अँ कॉमन बेस पेनी साथ कहीं लेवा देवा नहीं। एक सूत्र हमेशा याद रखा आई बराबर आई बी वत्ता आई सी। बराबर अँ होल संयोजन थाय बधु बहु विचारवानी जरूर नहीं। हवे शू थाय बराबर आ ए मीटर है ए मीटर में बेज में आता 7% जेटला इलेक्ट्रॉन बेज में होल साथ संयोजा है एट शू थे अँ प्रवाह आए थे एनो 7% प्रवाह आ बाजू जो रहें आई बी थे बाकी जो रहें 100-7 एट के 93% प्रवाह आई सी थे। बराबर आ 100% आई रू आई। बराबर हम अँ अपन आपेलू शू है कलेक्टर प्रवाह आप आईसी आपेलो है। बराबर आईसी आप 18.6 मिली एम्पीए। तो बस एना पर शोधवा है आ 7% है बाकी 93% है आईसी 93% है। तो जो गणित प्रमाण ते शीखेला हों कई रीते एमीटर में बेज में 7% इलेक्ट्रॉन बेज में होल साथ संयोजा एट के बेज प्रवाह के आई ना 7% एट के 7/100 आई और कलेक्टर प्रवाह के बाकी 93% 93% गुणिया आई तो 93/100 आई। आईसी की किमत आपेली मूकी दीजिए तो अपन आई मिली जैसे तो 18.6 करता है 20 मिली एम्पीयर आए। अपन ए मीटर प्रवाह मूल्य कीधु तू मिली गयु प्रवाह गेन प्रवाह गेन एट्ले कि आईसी अपॉन आई आईसी 18.6 आई 20 तो 0.93। हम अँ आई बी केम नहीं तो खबर है कारण के बेज कॉमन है जो वस्तु कॉमन ले ना ले जो कॉमन ए मीटर होमन ए मीटर तो एम क्यों आए आईसी अपॉन आई बी प्रवाह गेन। पण अहीं कॉमन बेस है एटले कलेक्टर भाग्या ए आईसी अपॉन आई 18.6/20.93। बराबर अहीं आगळ पूछ्यु नथी आई केटलो आवे 20 मिली एम्पियर बराबर अने आईसी हतो 18.6 तो बाकीनो केटलो रहे 1.4 मिली एम्पियर तो ए आई बी थाय। बराबर छे पूछ्यो नथी आ खाली समजावुं छुं। एना पछी दाखला नंबर 9 कॉमन एमिटर एम्प्लीफायर में 200 मिली वोल्ट नो इनपुट सिग्नल लगाड़ता बेस प्रवाह में 200 मिली माइक्रो एम्पियर नो फेरफार थाय छे तो इनपुट अवरोध शोधो। बराबर तो आ खूब सहेलू छे आ सिग्नल एटले के फेरफार तो डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा आई बी तो इनपुट अवरोध मिली जैसे सीधी किंमत ज मूकवानी छे। जो आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट मिले तो वोल्टेज गेन केटलो हशे तो पहला तो आने से मिली है तो
સ્ટાન્ડર્ડમાં ફેરવી દેવાનું વોલ્ટમાં, એટલે 10^-3 માઇક્રો છે તો 10^-6 અવરોધ આવી ગયો. વોલ્ટેજ ગેઇન એટલે આઉટપુટ વોલ્ટેજ ભાગ્યા ઇનપુટ વોલ્ટેજ, એટલે કે આઉટપુટ વોલ્ટેજમાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા ઇનપુટ વોલ્ટેજ. આઉટપુટ વોલ્ટેજમાં કેટલો મળે છે? 2 વોલ્ટ, બરાબર. અહીંયા શું લખ્યું છે? સિગ્નલ લગાડતા, એટલે કે પહેલાં કોઈ લગાડેલું નથી, એટલે એ વખતે 0 હોય અને પછી લગાડે એટલે 2 વોલ્ટ. તો ડેલ્ટા VCE થશે 2 વોલ્ટ અને ડેલ્ટા VBE 200 mV. બરાબર, કિંમત મૂકી દો, સાદરૂ આપો, જવાબ આવે છે 10. ના, વોલ્ટેજ ગેઇનનો કોઈ એકમ નથી, એ રીતે પ્રવાહ ગેઇનનો પણ કોઈ નથી. એના પછીનો દાખલો છે દાખલા નંબર 10. NPN કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયરમાં ઇનપુટ વોલ્ટેજમાં 100 mV ફેરફાર કરતા કલેક્ટર પ્રવાહમાં 10 mA જેટલો ફેરફાર થાય છે. આ પરિપથનો એસી પ્રવાહ ગેઇન 150, પરિપથમાં પાવર ગેઇન 4500 મેળવો હોય તો લોડ અવરોધનું મૂલ્ય કેટલું રાખવું પડે? તો અહીંયા શું શું આપેલું છે? પહેલું આપેલું છે ડેલ્ટા IC, બરાબર. પછી આપ્યું છે ઇનપુટ વોલ્ટેજમાં ફેરફાર, તો એ થશે કોમન એમિટર, એટલે કે આપેલું છે કોમન એમિટર છે એટલે કે બેઝ એમિટર, બરાબર. કોમન એમિટર એટલે એમિટર અહીંયા હશે, બેઝ અહીંયા હશે, કલેક્ટર. તો VBE આપેલો છે, બરાબર, ડેલ્ટા VBE. હવે ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ GM બરાબર ડેલ્ટા IC અપોન ડેલ્ટા VBE, બરાબર. આ એક સૂત્ર છે. અને બીજું સૂત્ર છે પાવર ગેઇન AP બરાબર વોલ્ટેજ ગેઇન AV ગુણ્યા પ્રવાહ ગેઇન AI, બરાબર. આ બે સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું તો જવાબ આવી જશે. અને વોલ્ટેજ ગેઇનનું સૂત્ર AV બરાબર GM RL, બરાબર. અમુક ટાઈમ ચોપડીમાં આપ્યું છે, એમાં માઇનસ લખેલું, પણ માઇનસ વગર સીધા સીધું શોધી કાઢજો, બરાબર. તો RL શું થશે? લોડ અવરોધ શોધવાનો જ આપણને અહીંયા, બરાબર. RL AV અપોન GM, બરાબર. હવે AV નથી આપેલું, પણ આપણને એક ખબર પાવર ગેઇન AP બરાબર AV AI. તો અહીંયા પાવર ગેઇન આપેલો છે અને પ્રવાહ ગેઇન પાવર ગેઇન. તો AV બરાબર શું થશે? AP અપોન AI, બરાબર. તો એને મૂકી દઈએ આની અંદર AV જગ્યાએ, તો AP અપોન AI. GM એટલે ડેલ્ટા IC અપોન ડેલ્ટા VB. પહેલાં શોધીને કિંમત મૂકીએ તો પણ ચાલે, ડાયરેક્ટ આ રીતે GMની જગ્યાએ ડેલ્ટા IC અપોન ડેલ્ટા VB. બધાની કિંમત મૂકી સાદરૂપ આપશો તો લોડ અવરોધની કિંમત આવી જશે 300 ઓહ્મ.